तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो A52S है उसमें सितंबर का अपडेट आया था, जो कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आया, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आज मैं उसी अपडेट का एक रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, या फिर बोल सकते हैं उस अपडेट के बाद मुझे जो जो लगा कि उस अपडेट में क्या क्या हुआ वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये सैमसंग A52 जिसमें ये अपडेट आया था A52S वाला, उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चीज बता दूं कि ये जो अपडेट था, ये अपडेट था 288 MB का अपडेट आया था, जिसमें वहां पर लिखा गया था कि सिक्योरिटी अपडेट दे दिया गया है, बोल सकते हैं सितंबर की सिक्योरिटी वहां पर एड ऑन कर दी गई थी। अगर आप जाके देखेंगे, अगर आपने अपडेट नहीं करा तो आपको डाउनलोड इंस्टॉल में जाना होगा, आपको वहां पर सब अपडेट अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस अपडेट में ऐसा लिखा हुआ है, जहां मैं यहां पर भी आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दिखा दूंगा ताकि आपको इजीली दिख जाए यहां पर क्या लिखा गया है स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को। जो इसमें सबसे पहले जो फीचर एड ऑन किए गए हैं उसके बारे में बता दूं, बेसिकली तो कोई फीचर एड ऑन नहीं किया गया, बट इस बार उन्होंने उसको हाईलाइट करके बताया कि हमने इसमें ये मेजर चेंजेस किए, लाइक स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी डिवाइस बिहेवियर हैज बीन इंप्रूव्ड। स्टेबिलिटी मतलब कि डिवाइस की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट, मतलब सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है, और साथ में बिहेवियर मतलब उसके चलने के तरीके को भी हमने इम्प्रूव किया गया है। ये तीन चीज़ें मेनली यहाँ पर इम्प्रूव की गई हैं। साथ में क्या लिखा है, हमने इसके अंदर सिक्योरिटी को भी अपडेट कर दिया। सिक्योरिटी की मतलब कि डिवाइस इज प्रोटेक्टेड विद इम्प्रूव सिक्योरिटी, जो जो डिवाइस है अब इम्प्रूव सिक्योरिटी कर दी गई, उसकी सिक्योरिटी पहले से भी थी अब उसको और थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया है ताकि आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी बनी रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चेंजेस किए गए, साथ में कोई मेजर वहाँ पर कोई भी मेजर नया फीचर को ऐड ऑन नहीं किया गया। अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी मेजर नया फीचर नहीं मिलने वाला। तो अगर आप अपनी डिवाइस को चलाएंगे तो डिवाइस की जो चलने की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो गई, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। मतलब पहले अगर आपका मोबाइल थोड़ा वो लैगिंग वैगिंग कर रहा था तो वो सब चीज़ यहाँ पर कम कर दी गई, उसकी स्पीड को यहाँ पर अच्छा खासा कर दिया गया। इसके क्लोजिंग के और उसके सबके एनिमेशन को भी यहाँ पर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट किया गया। आप देख सकते हैं कितना मस्त तरीके से ये काम कर रहा है। ये सब चीज़ें तो यहाँ पर बेसिकली अपडेट कर दी गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ और की गई है जो मैं बता दूँ कि इसके साथ आपको जो हीटिंग का इश्यू था वो काफ़ी हद तक सोल्यूशन कर दिया गया है। हीटिंग मैं तो जब भी यूज़ मैं तो मोस्टली ज़्यादा लंबा यूज़ करता हूँ हैंड्रेड को, तो मेरा मोबाइल थोड़ा बहुत हीट होता था, बट अभी रिसेंटली अपडेट होने के बाद मैं आज ही भी 2 घंटे से ज़्यादा अभी लगातार मोबाइल चला रहा हूँ, बट कोई हीटिंग का इशू कहीं नहीं दिख रहा, ना मुझे इस तरफ ना डिवाइस पे नहीं भी दिख रहा, क्योंकि मैं गेमिंग तो नहीं करता, गेमिंग का बता नहीं सकता कि गेमिंग में क्या हो रहा है। बाकी नॉर्मल यूज़ अगर आप करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और भी अदर एक्टिविटी करते हैं, तो आपको वहाँ पर हीटिंग का इशू मेरे हिसाब से देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपके वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर ज़्यादा है या बोल सकते हैं आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हीटिंग इशू मिले, बाकी नॉर्मल अगर आपके यहाँ टेम्परेचर है तो हीटिंग का इशू तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको ट्राई करा, मुझे हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है आफ्टर अपडेट। और साथ में जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर इम्प्रूव कर दी गई है। अगर मैं आपको लेके जाऊँ यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर में, यहाँ पर मैं आपको ले जाऊँ बैटरी वाले ऑप्शन पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने लास्ट चार्ज करा था कल रात को और उसके बाद से मैं कंटिन्यू मोबाइल को यूज़ भी कर रहा हूँ। देखेंगे आप मैंने कितनी देर कितना कुछ यूज़ करा, अभी भी मेरे पास 50% की बैटरी है और मैं जब भी मोबाइल को चार्ज करता हूँ 85% से ऊपर चार्ज नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि बैटरी लाइफ के लिए आपको हमेशा 85 ही चार्ज करना चाहिए। तो अभी भी मेरे पास आप देख सकते हैं कि 50% की बैटरी अवेलेबल है, तो बैटरी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव यहाँ पर की गई है। ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, तो अगर आप देखेंगे इस अपडेट में दोस्तों इन सारी ऐप्स को भी अपडेट कर दिया गया। आप देखेंगे जो जो ऐप इसमें आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी तो वो आपको दिखाएगा नहीं, बट जो ऐप आपके पास अपने मोबाइल में होंगी तो सबको यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। कैसे, आप जैसे मान लीजिए गैलेक्सी वेरेबल अगर आपके पास नहीं है तो ये भी मेरे पास है तो मुझे अपडेट कर दिया गया। मैं आपको चेक भी करके बताऊंगा कैसे पता चलेगा। लाइक ये वाली ऐप है, मैंने इसको यूँ खोल लिया और मैं डायरेक्ट ऐप इन्फो में आया। ऐप इन्फो में आने के बाद मैं यहाँ पर चला गया डायरेक्ट ऐप स्टोर पे, ऐप स्टोर पे उस ऐप को ले गया हूँ। उस ऐप में जाने के बाद अगर आप देखेंगे ये अपडेट को 7 सितंबर को अपडेट कर दिया गया है। ये उसी अपडेट होने के बाद इसमें ऑटो अपडेट हो गई है, लाइक यहाँ पर सैमसंग ग्लोबल गोल्स उसको भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। अगर ये जो जो ऐप्स लिखी हैं आपको अगर आप देखेंगे वहाँ जाके, सभी आपको 7 सितंबर की दिखाने वाली हैं, क्योंकि आफ्टर अपडेट ऑटोमेटिक उसको अपडेट कर दिया गया है बैक हैंड से, वहाँ पर मैंशन भी किया गया है। और सैमसंग नोट, सैमसंग इंटरनेट, सैमसंग हेल्थ, स्मार्ट थिंग, सैमसंग मेंबर, सैमसंग पे, कैलकुलेटर, स्मार्ट स्विच और वॉइस रिकॉर्डर, सारी चीजें यहां पर अपडेट की गई हैं। तो मैं आपको कुछ कुछ ऐप्स यहां पर अभी दिखा देता हूं।
जाने के बाद वापस अगर आप यहाँ पर ऐप डिवाइस पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये आपको 7 सितंबर का ही बता रहा होगा अपडेट्स वाला। देख रहे हैं 7 सितंबर को अपडेट होगी, मतलब ये ऐसी अपडेट के साथ वहाँ पर ऑटो अपडेट की गई है। ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको सैमसंग मेंबर्स में ले जाऊँगा तो सैमसंग मेंबर्स पे ये ऐप आपको दिखाएगी कि ये ऐप आपकी 7 सितंबर को ही अपडेट की गई है। आप देख रहे होंगे ये भी 7 सितंबर सब वो ऑटो अपडेट हो गई हैं। उस अपडेट के बाद हो सकता है कि इन ऐप्स में कुछ कुछ वहाँ पर चेंजेस किए गए हों या फिर कुछ मेजर चेंजेस ना हो, सिंपली अपडेट्स किया हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ आपको, जो भी मुझे लगता है इस अपडेट के बाद वहाँ पर चेंजेस किए गए। तो दोस्तों यही सब यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं जो कि आफ्टर अपडेट मुझे लगे। ओवरऑल डिवाइस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा यहाँ पर कर दिया गया है। हैंगिंग का इशू तो हो सकता है, अगर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है तो दो कारणों से आपका मोबाइल वहाँ पर हैंग हो सकता है, या फिर आपकी मोबाइल की बैटरी स्टोरेज फुल हो गई हो, या आपने कोई ऐसी ऐप डाउनलोड करके रखी हो जो कि हार्म कर रही हो, तो आपको इन दोनों चीज़ों को देख लेना है। अगर आपका मोबाइल उसके बाद भी हैंगिंग हो रहा है अपडेट के बाद, तो पहले तो अपने मोबाइल की स्पेस को आप खाली रखो, उसके बाद ट्राई करके देखो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं इसको यूज़ भी करूँगा तो मेरा यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है। हीटिंग को भी थोड़ा बहुत कम कर दिया गया, बोल सकते हैं कि कम कर दी गई, हीटिंग भी कम हो गई है और साथ में बैटरी परफॉर्मेंस भी ओवरऑल गुड कर दिया गया है। और साथ में कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट कर दी गई है और कुछ ऐप्स को ऑटो अपडेट कर दिया गया है जो कि सैमसंग की खुद की ऐप से। यही सब चीज़ यहाँ पर लगी। अगर आप वहाँ पर कैमरे वैमरे में भी जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैमरे में तो ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी अपनी कैमरे की, ये मैंने बैक कैमरे से फ़ोटो लिए। आप देख सकते हैं कैमरे में जो पहले फ़ोटोज़ आती थी सेम वैसी ये फ्रंट कैमरे से लिए, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं, दोनों सेम टू सेम, मतलब जो पहले आते थी सेम का सेम है और कुछ भी वहाँ पर मेजर नहीं चेंजेस किए गए कैमरे में। ओवरऑल जो इसका अपडेट्स का क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल अपडेट गुड है, आपको अपने मोबाइल में अपडेट करना चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें सोल्यूशन होती रहती हैं। और भी जो कुछ बग्स होंगे उनको भी यहाँ पर फिक्स आउट किया हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने आपको बताई ये चीज़ ही नहीं है या फिर एक्स्ट्रा ये चीज़ भी आपको आफ्टर अपडेट चेंज लगा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जैसी भी नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले अपडेट्स मिले। तो थैंक यू दोस्तों।